नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। गाजियाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी गई है। पहले प्रिंटिंग प्रेस और फिर उसके गोदाम पर छापेमारी हुई। दोनों संस्थानों से करीब 3 करोड़ रुपए कीमत की नकली किताबें बरामद हुई है। दोनों जगहों को सील करके पुलिस की सुपुर्दगी में माल दिए जाने की तैयारी है। ये पूरी कार्रवाई गुरुवार शाम एनसीईआरटी के विजिलेंस हैंड कार्बोर्ड मीना के नेतृत्व में शुरू हुई है। सूचना थी कि दिल्ली, गाजियाबाद समेत आसपास के शहरों में तमाम दुकानदार एनसीईआरटी की नकली किताबें बेच रहे हैं। इनपुट इकट्ठा किया गया, ये किताबें छपती कहां पर है। इसके बाद गुरुवार शाम लोनी बॉर्डर पर स्थित मेलाराम फार्म हाउस परिसर में एक प्रिंटिंग प्रेस में छापा मारा गया। इस कार्रवाई में एनसीईआरटी की प्रोडक्शन की टीम अलावा दिल्ली और यूपी की पुलिस भी शामिल रही। पता चला कि इस प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाली नकली किताबों की बाइंडिंग गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक गोदाम में हो रही थी। गोदाम पर भी छापेमारी की गई। ये पूरी कार्रवाई शुक्रवार रात जाकर पूरी हुई। 3 करोड़ रुपए की किताबें, 3 प्रिंटिंग मशीन, बाइंडिंग मशीन आदि बरामद हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस मालिक फरार है। प्रिंटिंग प्रेस का मुकदमा दिल्ली और गोदाम पर कार्रवाई का मुकदमा गाजियाबाद जिले में दर्ज होगा। एनसीईआरटी अपने अधिकृत विक्रेताओं को किताब बिक्री पर 20% का कमीशन देती है, जबकि नकली किताबें छापने वाले लोगों को दुकानदार को यही कमीशन 50% तक देते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी साल भर तक अपनी किताबों की डिमांड पूरा नहीं कर पाता। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।